दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ट्रिप से पहले घोड़े गधे बेच के आराम दे नींद अपनी पूरी कर रहे होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, और फिर आराम से जवाइयां लेते हुए स्ट्रेच करते हुए दूसरे बंदे को मैसेज करते हैं, पैकिंग कर ली तूने? एंड देन प्रेजेंटिंग द सेकेंड काइंड विच इज़ नबिया। फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर मॉइस्चराइजर, वैजलीन, पता नहीं क्या क्या, ये एक एक चीज़ ये बंदी पैक करके ले आई थी यार। आई मीन यू नेम इट, इट वॉज इन हर लगेज। मेरे ख्याल से ये जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नबिया वॉज मोर ओवर पैक्ड देन आई वॉज। सो नबिया यहाँ पूरी पैकिंग करके घर से रवाना हो चुकी थी मुझे पिक करने के लिए, सो दैट वी लीव टुगेदर। और माशाल्लाह से मेरी पैकिंग अभी शुरू होने वाली थी। खैर नॉट गोना लाई, नबिया इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, तो जो वो दवाइयाँ भी मेरे लिए पैक करके लेके गई थी मेरे काम आई हैं वो ट्रिप पे अच्छा आगे, और ये सारी प्रोविजंस भी इसने पैक की थी रास्ते के लिए, तो जब भी हमें भूख लगती थी हम वो निकाल के पूरी बस में शेयर करके खाते थे, बहुत मज़ा आता था। यहाँ नबिया ने अपनी लास्ट मील भी डॉक्यूमेंट की विद हर हस्बैंड, उसको अंदेशा था कि इस तरह का खाना वहाँ अब एक हफ्ते तक नहीं मिलेगा उसे, तो उसने सोचा पेट भर के चाइनीज खा के जाऊँ। ये जैकेट मैं लेके जा रही हूँ और एक हैंड कैरी है, एंड देन देयर इज दिस बैकपैक एंड देन दिस कैमरा बैग। सो या सबसे ज्यादा दुख मुझे इस चीज का था कि इस बंदी ने मेरा हेयर ड्रायर निकलवा दिया। खैर एनीहाउ ये रास्ता है और हम लोग पहुंचने वाले हैं बस। अच्छा ग्लोरिया वाज आवर मीटिंग पॉइंट। अभी सब जमा हो रहे हैं और हमने ऊपर लगेज रखवा दिया और नबिया तो बैठ भी गई अंदर जाके बस में। अभी से हाय, दिस इज लाइक पहला बंदा जो बैठ भी गया। सो गाइस इस वक्त हम लोग रेडी हैं, ये बस आपके पीछे है, अभी वी आर अबाउट टू जेट ऑफ। सो क्योंकि वहाँ काफ़ी अर्थक्वेक्स आए हुए हैं और लैंडस्लाइडिंग वगैरह का सीन है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग खैर खैरियत से वापस आ जाएं। सो नबिया को बस से निकाला गया है ताकि हम थोड़ी सी वीडियोस बना लें। तो मेरा बच्चा लग रही है, ऊपर आओ। आई डोंट वांट कॉफी। तो सब अभी रेडी हो रहे हैं बस में बैठने के लिए, खाना तो हमें देन ऑफ विल गो। हम लोग पिटन पहुँच गए, आई डोंट नो वाट इट्स कॉल्ड, बट वे हेयर फॉर ब्रेकफास्ट और उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होके हम लोग आगे चलेंगे। दिस इज द अपडेट। अभी हमें ट्रैवल करते हुए अबाउट 5 आवर्स हो गए, सो या कमर का अंजर पंजर निकल चुका है और बस, और क्या कर सकते हैं, दिस इज इट। सो दिस इज द प्लेस, यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। सवाल है, फिलहाल है, खाना जी नाश्ता शुरू होने वाला है, हम लोगों ने जाके चाय ले ली है, मगर वेट कर रही हैं अभी ऑमलेट का आने का, तो मैं तो बस शुरू होने लग गई चनों के साथ ही, ऑमलेट आएगा तो वो भी ऐड कर लेंगे। तो गाइस नाश्ता हो गया है और सुबह हो गई है, हो रही है, और आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर, बट इधर एक वाटरफॉल है जिसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेट्स सी। तो चश्मा आना था वाटरफॉल, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हियर मी, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है पानी की, बट वाओ स्टनिंग। प्लेस भी हैड आवर ब्रेकफास्ट आर, फिकरिंग करती हुई नज़र आ रही है, लाइट कर रही है, वैसे फिकर पता नहीं वीडियो में क्यों लग रहा है सारी लाइट फिकर कर रही है, भूत बंगला ये। बाथरूम ब्रेक।
उठने में निकलने लगे हैं स्कर्दू की तरफ। अभी 7 आवर्स रहते हैं, सो आई डोंट नो हम किस टाइम पहुँचेंगे। होपफुली दोपहर तक पहुँच जाएंगे। पैमाना अभी लबरेज नहीं हुआ, सो बस डोंट लिमिट द क्रॉस वाली सिचुएशन अभी तक नहीं आई, सो लेट्स सी। बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कैन नॉट बी समड इन वर्ड्स, सो ब्यूटीफुल। हेलो, इन अब के ट्रैवल क्लोथ्स हैं। देखे देखे सो गाइस, वापस अपने सफर पे हम रवाना हो गए थे कि 6 AM के बाद के मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वॉज सच अ फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर मी। ये द डॉन वॉज ब्रेकिंग और यू नो रेज ऑफ लाइट वर जस्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर। बहुत खूबसूरत सीन था। अच्छा, और जिस ट्रैवल कंपनी के साथ हम लोगों ने अपना पूरा ट्रिप प्लान किया है, दैट इज़ विद आर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इट्स जस्ट दैट मी एंड नबिया वांटेड टू ट्रैवल फॉर सो लॉन्ग टुगेदर, सो दिस स्कर्दू ट्रिप सीम लाइक द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। सो हम लोग कोराकोरम हाईवे के थ्रू स्कर्दू जा रहे थे क्योंकि बाबू सर टॉप आई थिंक अभी तक खुला नहीं है। सो गाइस, ये जो साथ साथ रिवर ट्रैवल कर रही है हमारे, ये इंडस रिवर है और ये हमारे साथ जगलोट तक ट्रैवल करेगी। वहाँ जाके गिलगित की रिवर जो है वो इंडस रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है। अच्छा, सारे रास्ते हमें वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स जो थे वो नज़र आ रहे थे। इधर आप देख सकते हैं कि एक वाटरफॉल के थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं। इस टाइम काफ़ी लोग बस में सो रहे थे और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो गया था ब्रो। नेक्स्ट हमने इधर ब्रेक की थी, दिस इज़ कॉल्ड द समर नाला। ये कोहिस्तान में पाया जाता है एंड सपोजली नोन एज द ताज़ा हवा का झोंका। एंड एक्चुअली वॉज द ताज़ा हवा का झोंका क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग सी जगह थी, काफ़ी प्लेजेंट थी, हवा चल रही थी। और द बेस्ट थिंग वॉज के साथ चाय अवेलेबल थी। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर हैविंग टी हियर, बट मे बी आई डिड, मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो नबिया का फटीक से बहुत बुरा हाल था, वो बस से नहीं निकली, वो सो रही थी। मैं बस वेंचर आउट कर रही थी एंड आई वाज गेटिंग टू नो द पीपल ऑन द बस। बस निकलने लगे हैं एंड मेरी बॉडी की जो लिमिट थी ना वो क्रॉस हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल भी आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव मोर आवर्स ऑफ ट्रैवल क्योंकि मेरी बस हो गई है। मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जा रहा और मुझसे इस पोजीशन में लाइक प्रॉन पोजीशन में मैं बैठी हूँ वैन में और मुझसे मेरी बस हो चुकी है, मेरी बस हो गई। अस्सलामुअलैकुम सहेब, बताएं क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा बहुत अच्छी ब्लॉगर है, बहुत अच्छा बनाती है। चश्मे वाला ही पानी होगा ना जो वहीं से आ रहा है? हाँ, मैंने इसकी बॉटल भर ली है, फिंगर्स क्रॉस इससे पेट ना खराब हो। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो गया था जगलोट के लिए। ये आप जो माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं ये हिमालयस की हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इज़ नांगा पर्वत जो 26,660 फीट की हाइट पे है। सो हमारी बस जो थी ब्रीफली नांगा पर्वत पॉइंट पे रुकी थी, बट सिंस आई हैड ऑलरेडी विजिटेड इट सो मैंने मिस कराया। आई थिंक नबिया ने थोड़ी सी वीडियो बनाई है जो मैं आगे इंसर्ट कर दूँगी। ओके, एज यू कैन सी सफ़र बहुत लंबा था, किसी की नींद पूरी हुई थी, किसी की नींद पूरी नहीं हुई थी, बट एक बंदा जो नॉन स्टॉप फुल बैटरी पावर पे चल रहा था वो ये था। माशाल्लाह से ये बेदार के ऑपरेशन हेड हैं और सिर्फ 2 घंटे की नींद ये पूरी करते थे एवरी डे, 2 घंटे सिर्फ सोते थे और फुल नॉन स्टॉप मस्ती मोड ऑन होता था इनका। अच्छा, जोक्स असाइड, इस बंदे ने इतनी अच्छी टोन सेट कर दी थी पूरे ट्रिप की। बहुत फ्रेंडली वाइब्स थी, लाइक यू नो लग रहा था कि वी आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली ऑल टुगेदर। साथ साथ जोक्स भी क्रैक हो रहे थे, वेयर इट वाज लाइक अ प्लेस वेयर एवरीबडी बिलोंग्ड एंड व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर ऑन अ ट्रिप। आई मीन एक एक डे हमने इतना अच्छा इन्जॉय किया हर किसी के साथ कि इतनी अच्छी टोन सेट हो गई थी बस की कि लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं सबसे।
और एक और मज़े की बात कि हमारे ट्रिप पे तला अंजुम की अम्मी और उनकी कज़न भी ट्रैवल कर रही थी, तो साथ साथ उस पर भी काफ़ी फन चल रहा था बस में। फाइनली हम लंच के टाइम जगलॉट पहुंच गए। थकन से चूर, बहुत बुरा हाल था। जल्दी से लंच ऑर्डर किया, चेक इन किया रूम में, और या बाकी सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉक में। बट दिस प्लेस वॉज रियली नाइस। इसके लॉन्स बहुत मज़े के थे, जहाँ हम लोग रात रात बैठ के कार्ड्स खेलते थे, लूडो खेलते थे, स्टार गेजिंग करते थे, क्योंकि यहाँ से स्काई बहुत क्लियर नज़र आती थी। बस हो चुकी है और नबिया की भी बस हो चुकी है। Stay tuned for part 2 guys. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe to my channel. See you guys in the next vlog. Bye.